पुराने जो समाजवादी थे बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे और बहुत अच्छे लोग आए थे उसमें। समाजवादी आंदोलन कभी देश का बहुत सशक्त आंदोलन था, बहुत अच्छा। और वास्तव में उनके मन में एक सोच थी देश के बारे में, समाज के बारे में, एक समर्पण का भाव भी था। आचार्य नरेंद्र देव जी ने उत्तर प्रदेश, उन पर गौरव की अनुभूति करता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कौन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सम्मान न देता हो। जयप्रकाश जी ने, कौन नहीं जयप्रकाश जी को सम्मान करता है। इन जिन महापुरुषों की मैंने बात कही, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी को समाजवादी आंदोलन से जुड़ने के लिए आचार्य नरेंद्र देव जी ने ही प्रेरणा दी थी। ये महान थे और महानता किस कदर थी, महानता की बात कर रहा हूं मैं, मुझे थोड़ा उसमें सुन लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। उन्होंने दो बात कही थी कि समाजवादी को संतति और संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज का समाजवाद, जिसके लिए कभी कभी बात बहुत होती है ना, कि एक बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है, पारिवारिक समाजवाद हो गया है, जातिवादी समाजवाद हो गया है। समाजवाद का ये जो स्तर है और वह आगे बढ़ते बढ़ते और शिवपाल जी के पास जाएंगे तो प्रगतिशील समाजवाद हो जाता है। तो ये नए रूप हैं, इसलिए उस शिक्षा और समाजवाद अब दो नदी के दो अलग अलग छोर हो चुके हैं। इसलिए आपने बजट नहीं पढ़ा है या संकल्प पत्र नहीं पढ़ा है, मुझे बहुत संदेह है, मुझे बहुत बुरा भी नहीं लग रहा है। पुराने जो समाजवादी थे बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे, बहुत अच्छे हुआ करते थे और बहुत अच्छे लोग आए थे उसमें। समाजवादी आंदोलन कभी देश का बहुत सशक्त आंदोलन था, बहुत अच्छा। और वास्तव में उनके मन में एक सोच थी देश के बारे में, समाज के बारे में, एक समर्पण का भाव भी था। आचार्य नरेंद्र देव जी ने उत्तर प्रदेश, उन पर गौरव की अनुभूति करता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कौन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को सम्मान न देता हो। जयप्रकाश जी ने, कौन नहीं जयप्रकाश जी को सम्मान करता है। इन जिन महापुरुषों की मैंने बात कही, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी को समाजवादी आंदोलन से जुड़ने के लिए आचार्य नरेंद्र देव जी ने ही प्रेरणा दी थी। ये महान थे और महानता किस कदर थी, महानता की बात कर रहा हूं मैं, एक बार मुझे थोड़ा उसमें सुन लेंगे ना तो अच्छा रहेगा। उन्होंने दो बात कही थी कि समाजवादी को संतति और संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आज का समाजवाद, जिसके लिए कभी कभी बात बहुत होती है ना, कि एक बहुरूपिया ब्रांड बन चुका है, पारिवारिक समाजवाद हो गया है, जातिवादी समाजवाद हो गया है। समाजवाद का ये जो स्तर है और वह आगे बढ़ते बढ़ते और शिवपाल जी के पास जाएंगे तो प्रगतिशील समाजवाद हो जाता है। तो ये नए रूप हैं, इसलिए उस शिक्षा और समाजवाद अब दो नदी के दो अलग अलग छोर हो चुके हैं। इसलिए आपने बजट नहीं पढ़ा है या संकल्प पत्र नहीं पढ़ा है, मुझे बहुत संदेह है, मुझे बहुत बुरा भी नहीं लग रहा है,